बरसात का पानी पौंड में पॉली हाउस का जितना भी पानी पॉली हाउस के ऊपर गिरता है पूरा पौंड में आता है बरसात का पानी और पूरे 12 महीने चलता है। इस ग्रीन हाउस में मैं ज़्यादातर पैदावार खीरे की लेता हूँ क्योंकि मैंने खीरे की पैदावार की है 3 साल में और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। इसके मेरे को बहुत से फायदे मिले। एक तो मेरे को जैसे ये एरिया डार्क जोन है, पानी की दिक्कत नहीं हुई, मेरे को बोरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं 2 फसल साल में इसमें से ले लेता हूँ इसी बरसात के पानी से। तो एक तो मेरे को फर्टिलाइज़र कम देना पड़ रहा है, एक इसमें बीमारियाँ जड़ रोग जो जड़ के अंदर रोग आते हैं जो पत्थर के पानी से कुएँ के पानी से जो रोग आता था वो एक रोग इस बरसात के पानी से कम आता है। तो इसमें पैदावार जो खीरे की होती है वो मतलब जस्ट कुएँ के पानी से जस्ट 1.5 गुना ज़्यादा होती है बरसात के पानी से। और इसमें बीमारियाँ जो ये ग्रीन हाउस है इसमें एक बीमारी लगने का रोग कम रहता है, बीमारियाँ बहुत ही कम लगती है क्योंकि ये जब सर्दी आती है तो इसको चारों तरफ से पैक कर देते हैं, जब गर्मी आती है तो इसको थोड़ी बहुत हवा चाहिए तो ऊपर वेंटिलेशन लगे हुए होते हैं, साइड में पर्दे आते हैं इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत इसमें इंसेक्ट ही होता है तो उसके लिए जो चिपको के प्लेट आती है पीली प्लेटें वो लगाते थे, उससे करीब करीब जो पर्दों के साइड में लगाते थे चारों तरफ तो करीब करीब इंसेक्ट वहाँ से कंट्रोल हो जाता है। और जो बाहर हम खेती करते थे इससे जस्ट 3 गुना ज़्यादा इसमें हमारे प्रोडक्शन होता है। जो 2 फसल साल का लेता हूँ खीरे का, और खीरा चलता है पूरा 12 महीने, सर्दी गर्मी और बरसात के मौसम में तीनों मौसम में चलता है, कभी भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें गर्मी से बचा सकते हैं, सर्दी से बचा सकते हैं और बरसात भी जब बरसती है तो जैसे मान लो हवा चल रही है बेल टूट जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं क्योंकि इसमें तो सारा कुछ पैक है और पानी हमारा है वो काम में आ रहा है, ज़्यादा लीच नहीं हो रहा है जगह जगह पानी के। तो बाहर की खेती हम करते हैं जब बैल की तो उसमें नुकसान होता है ज़्यादा बरसात बरसाती है, इसमें जस्ट सारा चीज़ का हमें फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हम बाहर मेहनत करते हैं उससे बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। सर्दियों में हम सुबह 6 बजे लग जाते हैं इसमें, आराम से एक एक पौधे को संभालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर सर्दियों में हमें 10 बजे लगना पड़ता है, इसमें आराम से सुबह 6 बजे लग जाते हैं। और गर्मियों में भी सुबह जल्दी काम करो आराम से, बरसात का मौसम है बरसात बरस रही है हम अंदर काम करते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बरसात का पानी सीधा पौंड में आ रहा है, हमारे बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, उधर हम खीरे की फसल को देखभाल कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ती है और पूरे 12 महीने चलता, बस यही इसके बहुत से फायदे हैं। इस प्रकार ग्रीन हाउस और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।